नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक चौधरी, आर्थ्रोस्कोपिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। आज फिर से आप लोगों के सामने एक और सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ। ये सक्सेस स्टोरी है पेशेंट गंगा की। इनकी उम्र लगभग 19 साल है और ये शॉर्ट पुट थ्रोअर है। तो आइए गंगा से जानते हैं कि इनके क्या लिगामेंट इंजरी कैसे हुई थी, उसके बाद इनकी क्या क्या दिक्कत आई और कितने महीने बाद ये अपना दोबारा स्पोर्ट्स करना शुरू कर दिया इन्होंने। तो गंगा, आप किस तरह लगी थी सट के बाद, कितना तो लगी थी? जी, मैं हर्डल जंप कर रहा थी। हर्डल जंप एक पैर से वेट आ गया था। तो फिर कड़ाका निकल गया, लिगामेंट थोड़ा ज़्यादा, फिर तुरंत फिर से दिक्कत आने लगी। मान लीजिए लचक जी आने लगी, लचक जी आने लगी थी। ठीक है, फिर सोचा कितने दिन सोजा हो गया सी बोलते थे। हाँ जी, तो सोची जा गई थी। 3-4 फिर असी गंगा का MRI करा के देखी, तो उसे ACL लिगामेंट मिल गया सानू, फिर वो टीयर है। उससे असी सारा गला समझा के गंगा को असी हाइब्रिड टेक्निक नाल इनका ACL रिकन्स्ट्रक्शन किया है। तो गंगा, अपन ऑपरेशन किन्ने दिन बाद तुरना शुरू करा दिया? 24 घंटे तुम्हें तुरना शुरू करा दिया। उसके बाद तुम अपना रूटीन वर्क करना शुरू करता से, अपना लैटरिन बाथरूम जाना था और तुरना करना, कोई दिक्कत नहीं आती सी? ठीक है, तो अपने जेडे उठक बैठक निकालिया कितना टाइम बाद शुरू करती थी? 15 दिन बाद उठक बैठक निकालनी शुरू, 15 दिन बाद उठक बैठक निकालना शुरू करती थी। और जी जिमिंग है और जी अपने स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन है, लगभग 1.5 महीने शुरू करती थी। एक तो सानू वीडियो भेजी है, आ कि 2 महीने पूरे होने के, 2 महीने पूरे होने वाले हैं। तो गंगा प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन है, शॉर्ट पुट थ्रोअर जो अपना हमारा पैर होता है उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स आती है, तो इसलिए इनका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन और जो ACL रिकन्स्ट्रक्शन है वो प्रॉपर टेक्निक से, चाहे आप जैसे हमने इनका हाइब्रिड टेक्निक से किया, तो जो स्ट्रेंथ है इनकी लिगामेंट को बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इसमें जो शॉर्ट पुट थ्रो होते हैं, जब ये शॉर्ट पुट थ्रो करते हैं तो इनके घुटने मरोड़ी लगती है, तो उस टाइम जो सारा फोर्स होता है इसी, जो इनका लेफ्ट नी इंजर्ड हुआ था इसी के ऊपर सारा फोर्स आता है। तो अब ये धीरे धीरे खेलना शुरू करता है, आज 3 महीने पूरे हो गए, रनिंग करनी शुरू कर दी, प्रॉपर जिम वगैरह सारी शुरू कर दी, शॉर्ट पुट थ्रो तो नहीं करना छोड़ देता। अभी 6 महीने तक हमने इन्हें रोका हुआ है, क्योंकि इतने जो लिगामेंट होता है आपका, आपके हड्डी के साथ पूरा मजबूत हो जाता है, उसके बाद ये चाहे शॉर्ट पुट थ्रो करें, चाहे कोई भी कबड्डी रेसलिंग कोई भी कर सकते हैं, उसमें इनको दिक्कत नहीं आएगी। और अब चलना नहीं चाहिए, रनिंग करते हो कोई लचक वगैरह कोई पेन वगैरह कुछ नहीं होना, कोई दिक्कत नहीं आती। जिस तरह वेट नाल सिटअप्स करते हो, स्क्वाट्स करते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। तो व्यूअर्स को की कहना चाहोगे लिगामेंट रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी बारे में? कोई डरन की गल तो नहीं, तो अगर ते है लिगामेंट की इंजरी तो करवाओ डॉक्टर अभिषेक चौधरी, तो कोई दिक्कत नहीं।